हेलो गाइस सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस इन कंप्यूटर अवेयरनेस जो कि अभी रिसेंट एग्जाम हुए या फिर फ्रीक्वेंटली जो क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं एक ही यूनिट से कंप्यूटर अवेयरनेस के तो उसके बारे में हम इस बार इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा डब्ल्यू 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 मीन्स सो क्या होती है डब्ल्यू 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 की फुल फॉर्म सो so, इसका राइट ऑप्शन हो जाता है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी दैट इज़ वर्ल्ड वाइड वेब डब्ल्यू 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 मीन्स वर्ल्ड वाइड वेब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम हमारा अ ग्रुप ऑफ एट बिट्स इज नोन एज सो जो ग्रुप होता है एट बिट का एट बिट को हम क्या बोलते हैं एट बिट को हम कहते हैं वन बाइट दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए बाइट एंड वन ज़ीरो टू फोर जो बाइट्स होते हैं उनको क्या कहते हैं वो होता है हमारा एक एम के बराबर और इसी तरह से वन ज़ीरो टू ज़ीरो फोर एम बी ये किसके बराबर होता है ये होता है हमारे पास वन जी बी के बराबर ठीक है so, सो इसी इसके रिलेटेड ही यहाँ पे एक मैं आपको पिक्चर दिखा देता हूँ ताकि आपको डिटेल में पता चल जाए जो आ, डेटा आ, ये साइज़ वगैरह तो यहाँ पे आप इमेज दे सकते हैं जो एक बिट होता है उसमें एक सिंगल बाइंडेड डिजिट होता है उसमें या फिर वन होगा या फिर ज़ीरो होगा उसी तरह जो बाइट होता है उसमें एट बिट्स होते हैं जो कि हमारा क्वेश्चन था अभी और जो एक किलोबाइट होता है के होता है उसमें वन जीरो टू फोर बाइट्स होते हैं और इसी तरह से सेम वन ज़ीरो टू फोर के बी में वन एम बी और इसी तरह से आप यहाँ पर नीचे अप टू जेटा बाइट वाई बी के तक देख सकते हो तो इस तरह के क्वेश्चन पे आपको पूछे जाते हैं यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं हम वापस अपने क्वेश्चन पे सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है सम बी वन बी टू सम बी वन और बी एट इज़ एन एग्ज़ाम्पल ऑफ ये किस चीज़ की एग्जाम्पल है तो जैसा कि आपको पता ही है जब हम इक्वल्स टू डाल के सम लिखते हैं कहीं पे भी और यहाँ पे B1 और B8 ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये यहाँ पे एक एक्सल शीट के सेल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनके लोकेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये किस चीज़ की एग्ज़ाम्पल है तो ये यहाँ पे एग्ज़ैम्पल है हमारे पास एक फार्मूला की जो कि एक्सल फार्मूला की ये एग्ज़ाम्पल है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर थर्ड में नेक्स्ट देखते हैं द टर्म फॉर द माइक्रो प्रोसेसर दैट एग्जीक्यूट्स मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस इज तो यहाँ पर आप एक चीज़ को ध्यान में रखो यहाँ पे किस चीज़ के बारे में पूछ रहा है जो एग्जीक्यूट करता है मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशनस मैथमेटिकल और लॉजिकल तो जो सी पी यू होता है उसमें कौन ये एग्जीक्यूट करता है मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन वो करता है ए एल यू जी दैट इज़ एरेथमेटिक लॉजिक यूनिट्स जितने भी प्लस माइनस मल्टी मल्टीप्लीकेशन मैथमेटिकल या फिर लॉजिकल जो ऑपरेशन होते हैं वो कहाँ पे होते हैं हमारे ए एल यू में एरेथमेटिक लॉजिक यूनिट में आगे देखते हैं अपना। वट काइंड नेटवर्क प्रोटोकॉल सेंड्स ई मेल्स जब हम ई मेल सेंड करते हैं तो वहाँ पर कौन सा नेटवर्क प्रोटोकॉल लगता है एंड दैट इज़ हमारा ऑप्शन नंबर डी एस एम एस एम दैट इज एस एम टी पी

अब यहाँ पे क्या पूछा उन्होंने एक किलो बाइट समटाइम नोन एज के बी इज़ इक्वल टू ये अभी अभी हमने पूरा चार्ट देखा हुआ है तो जो एक के बी होता है ये किसके बराबर होता है हमारे पास वन ज़ीरो टू टू फोर बाइट्स के बराबर ठीक है तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन बन जाएगा वन जीरो टू फोर बाइट्स ये यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इसका अब आगे देखते हैं शॉर्टकट कीज़ के ऊपर ये क्वेश्चन है Uh, जैसा कि आपको पता काफी के के है काफ़ी बार शॉर्टकट कट के ऊपर पूछता है इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम टू पेस्ट समथिंग आफ्टर कटिंग द फॉलोइंग यहाँ पे क्या लिखा हुआ है फॉलोइंग शॉर्टकट इज़ यूज तो सिंपल यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जब हम किसी चीज़ को कट कर देते हैं विंडोज़ में जब उसको हमें पेस्ट करना होता है वापस तो पेस्ट करने के लिए हम कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करते हैं तो सिंपल है हमारे पास कंट्रोल वी होती है जो कि होती है पेस्ट करने के लिए और यहाँ पे जो कंट्रोल एक्स लिखी हुई है ये किसके लिए होती है कट करने के लिए और कंट्रोल सी होती है कॉपी करने के लिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन इन विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम द शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस ई इज़ यूज फॉर कंट्रोल प्लस ई किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं हम यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पे यहाँ पे मुझे लगता है ऑप्शन थोड़े गलत हो गए तो कंट्रोल जो ई प्लस ई होता है ये किसके लिए होता है ये होता है सेंट्रल अलाइनमेंट के लिए ठीक है यहाँ पे ऑप्शन में नहीं लिखा हुआ है सेंटर अलाइनमेंट के लिए यूज़ करते हैं हम कंट्रोल प्लस ई किसी भी टेक्स्ट को या चीज़ को सेंटर में अलाइन करने के लिए कंट्रोल ई यूज़ की जाती है नेक्स्ट देखते हैं इन विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम टू डिस्प्ले और हाइड द स्टार्ट मेनू तो स्टार्ट मेनू आपने देखा होगा विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में जहाँ पे विंडोज़ का साइन बना होता है इस तरह का तो आ, इन विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम टू डिस्प्ले और हाइड स्टार्ट मेनू तो हम कौन सी की यहाँ पे यूज़ करते हैं तो सिंपल यहाँ पे विंडोज़ लोगो ही हम यूज़ करते हैं जैसे इसको क्लिक करते हैं तो ये मेनू हमारे पास ओपन हो जाता है यहाँ पे आल प्रोग्राम्स आ जाते हैं और विंडोज़ लोगो हम इसके लिए यूज़ करते हैं नेक्स्ट देखते हैं विच ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ डेवलप्ड बाय एप्पल तो इसमें से कौन सा एप्पल ने डेवलप किया है यहाँ पर कौन से ऑप्शन है एंड्रॉयड विंडोज़ यूनिक्स और ऑप्शन नंबर डी जो हमारे पास आयोज़ तो जो आयो से ये एप्पल डेवलप करती है ऑप्शन नंबर डी इज राइट अगला देखते हैं विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए हार्डवेयर इसमें से कौन सा हार्डवेयर नहीं है तो माउस जो है वो हमारे पास हार्डवेयर होता है जावा जो है ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है ठीक है तो प्रोग्रामिंग वगैरह के लिए यूज़ होती है जावा ये एक हार्डवेयर नहीं है ये एक सॉफ्टवेयर है एक प्रोग्राम है ठीक है जावा प्रिंटर जो हमारे पास ये भी हार्डवेयर आया था और मदरबोर्ड भी हार्डवेयर है तो जावा क्या है एक प्रोग्राम ये एक सॉफ्टवेयर होता है नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ कंप्यूटर बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है यहाँ पे तो कौन किनको को कहते हैं हम फादर ऑफ कंप्यूटर दैट इज चार्ल्स बेबेज ठीक है ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट चार्ल्स बेबेज विच पार्ट ऑफ कंप्यूटर कैन बी फील एंड टचड तो कौन सा पार्ट है कंप्यूटर का जिसको हम फील कर सकते हैं और टच कर सकते हैं तो जिस पार्ट को हम फील कर सकते हैं और टच कर सकते हैं उसको हम क्या कहते हैं हार्डवेयर ठीक है तो इसमें से कौन सा हार्डवेयर ये ऑप्शन नंबर ए दैट इज़ हार्डवेयर जिस पार्ट को हम uh, टच कर सकते हैं फील कर सकते हैं उसको हम कहते हैं सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर एंड ऑप्शन बी सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर वो चीज़ होती है जिसको हम uh, देख सकते हैं उसको हम चेंज कर सकते हैं लेकिन उसको हम टच नहीं कर सकते उसको हम देख सकते हैं या फिर आ, चेंज कर सकते हैं जैसे प्रोग्राम हो गया वो होता है सॉफ्टवेयर और इस ऑप्शन का राइट right आंसर है हार्डवेयर अगला देखते हैं विच कंट्री इन द वर्ल्ड हैज़ द हाइस्ट नंबर ऑफ कंप्यूटर्स इसमें से कौन सी कंट्री के पास सबसे ज़्यादा कंप्यूटर हैं तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर सी दैट इज़ यू जो यू एस ए उसके पास सबसे ज़्यादा कंप्यूटर हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड नेक्स्ट देखते हैं हु इन्वेंटेड वर्ल्ड वाइड वेब अभी हमने ऊपर डब्ल्यू 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 की फुल फॉर्म देखी थी अब इसका इन्वेंशन किसने किया हुआ है तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए टीम बर्नर्स ली ये इनके इन्वेंटर है इन्होंने इन्वेंट किया था डब्ल्यू 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 को नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे यह आ गया एब्रिवेशन कम्प्यूटर्स में वट इज़ द फुल नेम ऑफ ओ सी आर ओ सी आर का क्या फुल नेम होता है दैट इज़ ऑप्टिकल करेक्टर रिकोगशन ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आगे बढ़ते हैं यहाँ पे विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज़ द कॉमनली यूज पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस तो सबसे कॉमनली यूज इनपुट डिवाइस कौन सा है हमारे पास यहाँ पे वो है माउस जो माउस है वो हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं एज ए पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस ठीक है ये रहा ए का ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट क्वेश्चन नंबर नाइनटीन ये सारे वही क्वेश्चन हैं जो फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं आपको चाहे वो एस का हो गया या फिर जेके एस पी के एग्ज़ाम हो गए उसमें पूछे जाते हैं एंड uh, अब यहाँ पे किस चीज़ के पूछ रहा है द परमानेंट मेमोरी बिल्ट इं टू कंप्यूटर इस कॉल्ड जो परमानेंट मेमोरी होती है कंप्यूटर में उसको क्या कहते हैं हम यहाँ पे उसको कहते हैं हम रोम दैट इज़ रीड ओनली मेमोरी दैट इज़ रीड ओनली मेमोरी वो होती है हमारे पास यहाँ परमानेंट मेमोरी और नीचे देखते हैं द कंप्यूटर डज नॉट परफॉर्म द ऑपरेशन ऑफ इसमें से कौन सा uh, जो ऑपरेशन है वो कंप्यूटर परफॉर्म नहीं करता है आउटपुट कंप्यूटर देता है अंडरस्टैंडिंग जैसा कि हम सबको पता है जो कंप्यूटर का आई लेवल होता है वो क्या होता है इसका ज़ीरो होता है तो वो किसी चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट जो अंडरस्टैंडिंग है वो कंप्यूटर का एक ऑपरेशन नहीं है नेक्स्ट देखते हैं और वेरीफिकेशन ऑफ लॉगिन नेम एंड पासवर्ड इज़ नोन एज तो जब लॉग इन नेम और पासवर्ड uh, की वेरीफिकेशन करते हैं उसको क्या कहते हैं उसको कहते हैं हम ऑथेंटिकेशन ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर ठीक है ऑथेंटिकेट करना अपने डेटा को uh, अगला क्वेश्चन है हमारे पास द टर्म ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसका क्या मतलब होता है अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स विच कंट्रोल कंप्यूटर वर्किंग द वे अज़र ऑपरेट्स द कम्प्यूटर सिस्टम द कन्वर्जन ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज इंटू मशीन लैंग्वेज द वे कंप्यूटर ऑपरेट्स और वर्कस तो इसका राइट right ऑप्शन क्या हो जाएगा अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स विच कंट्रोल कंप्यूटर वर्किंग ठीक है जो कंप्यूटर की वर्किंग को मैनेज uh, करता है उस तरह का प्रोग्राम जैसे हमारे विंडोज़ हो गया मैक ओ एस हो गया इस तरह के जो ऑपरेटिंग uh, सिस्टम हो गया हमारे पास विंडोज़ टेन हो गया विंडोज सेवन हो गया इस तरह से ठीक है इनका ये फंक्शन होता है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री आई सी चिप्स दैट इज़ इंटीग्रेटेड चिप्स यूज इन कंप्यूटर्स आर मेड विथ सो जो इंटीग्रेटेड चिप्स होती हैं ये किससे बनी होती हैं ये सिलिकॉन से बनी होती हैं है, ठीक है सिलिकॉन मे मेटल इसमें यूज होता है जो कि गोल्डन कलर का होता है देखने में और अभी ग्लोबल शॉर्टेज भी चल रही है यहाँ पे सिलिकॉन की आपने देखा होगा न्यूज़ में द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया इज़ तो इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है ये काफ़ी बार क्वेश्चन में पूछा जाता है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो ऑप्शन देख लेते हैं परम बुद्धा या शिवा तो स, राइट आंसर है परम जो सुपर कंप्यूटर ये फर्स्ट टाइम इंडिया में डेवलप किया गया था ठीक है और कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताओ कि इस समय का सबसे आ, फास्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है ठीक है उसका नाम आप कमेंट सेक्शन में बताओ अगर आपको है तो नेक्स्ट देखते हैं इन विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम शॉर्टकट डिलीट इज़ फॉर तो जो डिलीट जो आपने की देखी होगी वो किस चीज़ के लिए होती है तो यहाँ पे सिंपल ऑप्शन बनता है इसका ऑप्शन नंबर बी टू डिलीट समथिंग किसी चीज़ को डिलीट करने के लिए ये की यूज़ की जाती है इन विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम शॉर्टकट कंट्रोल प्लस ए इज़ यूज फॉर कंट्रोल और ए किस चीज़ के लिए यूज की जाती है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम एंड दैट इज फॉर सेलेक्ट ऑल आगे बढ़ते हैं वट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ वायरस वायरस स्टैंड फॉर क्या होती है वायरस की फुल फॉर्म एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सी ये इसका राइट right ऑप्शन बन जाता है ऑप्शन नंबर सी आगे बढ़ते हैं एच टी एम एल इज़ अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ तो एच टी एम एल किसकी शॉर्ट फॉर्म है ये एक मार्कअप लैंग्वेज है तो Uh, किस चीज के लिए यूज की जाती है uh, वेब पेज डेवलपमेंट के लिए यूज की जाती है तो uh, इसकी क्या फुल फॉर्म आ जाती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज दैट इज ऑप्शन नंबर सी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एंड और भी एस को क्या कहते हैं द बैकबोन ऑफ इंटरनेट एस को कहा जाता है ठीक है क्या कहते हैं द स्केलेटन स्ट्रक्चर ऑफ द द स्केलेटन स्ट्रक्चर ऑफ द वेब वेब पेज ठीक है और जो आ, जो क्या बोलते हैं इसको बैकबोन ऑफ द इंटरनेट किसको कहते हैं एच टी टी पी एस ठीक है एच टी टी पी एस इसको कहते हैं बैकबोन ऑफ द इंटरनेट और एस टी एम को क्या कहते हैं द स्केलेटन ऑफ द वेब पेज नेक्स्ट देखते हैं द फुल फॉर्म ऑफ एम आई सी आर इज एम आई सी आर की फुल फॉर्म क्या होती है दैट इज ऑप्शन नंबर सी मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकोगनेशन दिन नंबर सी इज राइट आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी द एब्रीविएशन फॉर एस एम पी एस इज एंड द राइट आंसर फॉर दिस ऑप्शन इज स्विस्ट मोड पावर सप्लाई ठीक है ऑप्शन नंबर ए ठीक है एस एम पी एस इज स्विस्ट मोड पावर सप्लाई और इसका काम क्या रहता है यहां पर जो पी सिस्टम वगैरह में होते हैं तो ये क्या करता है ये ए इनपुट को डी में कन्वर्ट करता है ठीक है ए वोल्टेज को डी वोल्टेज में कन्वर्ट करता है एस एम पी एस आगे देखते हैं हम अपना विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डन बाय कंप्यूटर थ्रू इंटरनेट सो अगर कंप्यूटर में इंटरनेट है तो इसमें से हम कौन सी चीज़ कर सकते हैं फर्स्ट इज़ कम्युनिकेशन फर्स्ट इज़ कंप्यूटेशन सेकेंड इज़ कम्युनिकेशन is थर्ड इज़ प्रोसेसिंग एंड डिज़ ऑल ऑफ दि सो ऑप्शन नंबर डीज़ राइट ऑल ऑफ दिस ये हम सभी कर सकते हैं अगर कंप्यूटर में इंटरनेट है तो आगे देखते हैं इन विच ऑफ़ द फॉलोइंग डू वेब pages गेट written? इसमें से किन में जो वेब पेजेस होते हैं वो लिखे जाते हैं तो वेब पेजेस कहाँ पे लिखे जाते हैं दैट इज़ इन द एस टी एम एल अभी हमने देखा ये एक मार्कअप लैंग्वेज होती है जिसमें कि जो वेब पेजेस हैं वो लिखे जाते हैं और इसको हम स्केलेटन ऑफ द वेब uh, पेजेस भी कहते हैं इसको ठीक है ढांचा एक तरह का वेब पेज का हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इज द राइट व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ जी तो जी यू जी की क्या फुल फॉर्म होती है दैट इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एंड कौन सा ये ऑप्शन नंबर डी ठीक है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट फॉर देट वट इज़ लिनक्स लिनक्स यहाँ पे क्या है हमारे पास लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड ऑप्शन इज़ बी राइट ऑपरेटिंग सिस्टम लिनर्स सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इसमें से कौन से जो चीज़ें हैं वो सेकेंड जनरेशन में हमें देखने को मिलती हैं वैक्यूम ट्यूब्स हमें फर्स्ट जनरेशन में मिलती हैं और यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी है ट्रांजिस्टर्स ट्रांजिस्टर्स जो हैं हमारे सेकेंड जनरेशन में देखने को मिलते हैं ठीक है ट्रांजिस्टर्स अगला देखते हैं विच कॉम्पोनेंट ऑफ कंप्यूटर इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज इट्स हार्ट इसमें से कौन सा कॉम्पोनेंट कंप्यूटर uh, का हार्ड हम हार्ट हम कहते हैं ठीक है कंप्यूटर का हार्ट कहा जाता है कौन सा कॉम्पोनेंट है सो so, यहाँ पर हमारे पास आ जाता है जो ऑप्शन नंबर डी है माइक्रो प्रोसेसर दैट इज हार्ट ऑफ द कंप्यूटर वट इ यूज टू मेक कंप्यूटर चिप्स सो जो कंप्यूटर चिप्स होती है उसमें को बनाने के लिए क्या यूज़ किया जाता है तो जैसे कि हमने ऊपर भी देखा था जो आईसी होते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट्स उसको बनाने के लिए भी क्या यूज़ किया जाता है सिलीकन और यहाँ पे भी कंप्यूटर चिप्स होती है सिलिकन ठीक है ऑप्शन नंबर सी थर्टी एट देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज़ अ टाइप ऑफ तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस किस तरह की एक टाइप है तो ये एक हमारे पास यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आया था माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ठीक है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है हमारे पास एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है वन बाइट इज़ इक्वल टू हाउ मनी बिट्स अब यहाँ पर जो हमने डेटा चार्ट पढ़ा था उसके रिलेटेड ही आ गया तो यहाँ पे वन बाइट होता है जो एक बाइट जो हम यहाँ से हम पढ़ रहे थे पहले वन बाइट किसके बराबर आ जाती है जो एक बाइट होती है ये हमारे पास एट बिट्स के बराबर होती है जैसा कि हमने ऊपर भी पढ़ा था ठीक है और जो चार बिट्स होती हैं चार बिट्स किसके बराबर होती हैं जो चार बिट्स होती हैं इसको हम एक निबल कहते हैं ठीक है जो चार बिट्स होती हैं इसको हम कहते हैं एक निबल ठीक है आगे देखते हैं वट इज़ द मीनिंग ऑफ ओ एम आर सो ओ एम आर का क्या मतलब होता है यहाँ पे हमारे पास दैट इज ऑप्टिकल मार्क रीडर कौन सा ऑप्शन है ये ऑप्शन नंबर ए दैट इज ऑप्टिकल मार्क रीडर इज द फुल फॉर्म ऑफ ओ एम आर नेक्स्ट देखते हैं विच फंक्शन की यूज टू चेक स्पेलिंग्स तो अगर आपको एम एस वर्ड में अगर स्पेलिंग चेक करने हो तो कौन सी फंक्शन की आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो यहाँ पे तो आप यूज़ कर सकते हो दैट इज़ एफ सेवन सी ऑप्शन आगे देखते वेयर इज कैश मेमरी इज लोकेटेड तो कैश मेमरी कहाँ पे लोकेटेड uh, होती है ये होती है हमारे सी पी यू में कैश मेमरी इज़ लोकेटेड इन द सी पी यू विच ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ डेवलप्ड बाई एप्पल तो ये Uh, यहाँ पे कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो एप्पल ने डेवलप किया दैट इज़ मैक ओ ठीक है मैक ऑपरेटिंग सिस्टम इज डेवलप बाय एप्पल आगे देखते हैं विच आर द फॉलोइंग इज़ अ नॉन वॉलोटाइल मेमरी इसमें से नॉन वॉलोटाइल कौन सी है वॉलोटाइल मतलब कि जो वॉलोटाइल uh, uh, होती है जैसे कि जो फंक्शन हम परफॉर्म कर रहे हैं तब तक वो रहेगी जैसे वो हमने फंक्शन कट कर दिया या फिर डिवाइस स्विच ऑफ कर दिया तो वो पूरी इरेज हो जाएगी मेमरी ठीक है जो फंक्शन चल रहा होगा वो पूरा इरेज हो जाएगा वॉलोटाइल में नॉन वॉलोटाइल हम कह सकते हैं जो कि परमानेंट होती है एक सिस्टम में अगर आपने सिस्टम ऑफ कर दिया वापस ऑन करो तो वो फिर भी इसमें रहेगी तो नॉन वॉलेटाइल इसमें कौन सी ऑप्शन नंबर डी दैट इज़ रोम और रोम की फुल फॉर्म क्या होती है रीड ओनली मेमोरी आगे देखते हैं कंप्यूटर रेजोल्यूशन मेजर्स जो कंप्यूटर का रेजोल्यूशन होता है वो हम किस में मेज़र करते हैं दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ नंबर ऑफ पिक्सल्स कितने उसमें पिक्सल्स हैं उस तरह से हम उसकी क्वालिटी बताते हैं उसका रेजोल्यूशन बताते हैं चाहे फ़ोन की स्क्रीन हो या फिर कंप्यूटर का रेजोल्यूशन uh, हो वट इज़ द नेम ऑफ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स डिजिटल डिजिटल सिग्नल इंटू एनालॉग सिग्नल्स सो जो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है उसको हम क्या कहते हैं उसको हम यहाँ पे कहते हैं मॉडम ठीक है मॉडम इसकी फुल फॉर्म क्या होती है जो मॉडम होता है ये इस तरह से बनाता है यहाँ पे ये यह होता है मॉड्यूलेटर और डी मोडूलेटर ठीक है सिग्नल्स को ये मॉड्यूलेट करता है या डी मोडूलेट करता है कन्वर्ट करता है डिजिटल टू एनालॉग और एनालॉग टू डिजिटल जैसे कि हम जो मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं उसमें भी मॉडर्म हमारा पहले से इंस्टॉल्ड होता है जिसकी वजह से जो हमारी वॉइस है आ, वो कन्वर्ट होकर यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स में कन्वर्ट हो जाती है फिर उसके बाद जो रिसीव होता है वहाँ पर वापस साउंड वेव्स में आ जाती है विच टाइप ऑफ स्विचिंग इज़ यूज इन इंटरनेट तो इंटरनेट नेट में कौन सी स्विचिंग यूज की जाती है दैट इज़ इन दैकेट ऑप्शन नंबर एज राइट आगे देखते हैं बाइंड्री नंबर्स सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ये हमने डेटा वाले चार्ट में अभी देखा था तो बाइंड्री जो नंबर्स होते हैं उसमें क्या होता है उसमें या तो सिर्फ ज़ीरो होता है या फिर वन होता है या ज़ीरो होगा या फिर वन होगा इन दोनों में से एक होगा इतना ही साइज़ होता है एक बिट का तो बाइनरी नंबर्स में ज़ीरो होते हैं या वन होते हैं ठीक है ऑप्शन नंबर ए 48 एट का ए राइट फोर्टी नाइन देखते हैं और कंप्यूटर मस्ट हैव एक कंप्यूटर में क्या होना ही चाहिए अगर वो नहीं होगा तो उसके बिना कंप्यूटर काम नहीं करेगा या चलेगा नहीं तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बिना भी काम कर सकता है इंटरनेट के बिना भी कंप्यूटर काम कर सकता है एंटीवायरस के बिना भी काम कर सकता है लेकिन जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो उसमें होना ही चाहिए उसके बिना कंप्यूटर काम नहीं कर सकता और फिफ्टी क्वेश्चन देखते हैं हम अपना विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट अ ब्राउजर इसमें से कौन सा ब्राउजर नहीं है तो यहाँ पे हमारे पास ओपेरा भी ब्राउजर आयाता है क्रोम भी ब्राउज़र है फायरफॉक्स भी हमारे पास ब्राउज़र है लेकिन जो कैसी ये अपने पास ब्राउज़र नहीं आता ठीक है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है सो so, ये फिफ्टी क्वेश्चन है जो कि मोस्ट आस्ट क्वेश्चन है ज़्यादातर तो एग्ज़ाम में कंप्यूटर के रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेनली जेके एस या एस के एग्ज़ाम हो गए तो यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको अच्छी लगी ये वीडियो तो लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो जो कि तैयारी कर रहे हैं एग्जाम्स की और कंप्यूटर अगर उनका सब्जेक्ट है तो ओके थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो